मार्कोस डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो हमारे यहां पढ़कर और वायुसेना और नौसेना में अपने मेरिट को पक्का किया। आपके सामने है मिस्टर गुलशन कुमार। गुलशन, सबसे पहले आप पूर्व छात्र को बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं नवादा बिहार का रहने वाला हूँ और मैं सर को लगभग 2 साल से जान रहा हूँ, पिछले 2 साल से जान रहा हूँ, और मैं यहाँ BSC एकेडमी में पढ़ाई करता था। यहाँ डिफेंस के लिए मैं यहीं से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो गुलशन, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी खेती करते हैं और हम लोग 2 भाई और 1 बहन है, जिसमें मैं बड़ा हूँ। आप बड़े भाई हो, तो आप नवादा में कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं नवादा में घुसतामा गांव थाना कादिरगंज का रहने वाला हूँ, जो नवादा जिला में पड़ता है। ओके गुलशन, आपको यहाँ पर यानी कि मार्कोस डिफेंस एकेडमी, जो कि BSC एकेडमी की एक ब्रांच है, वहां पे आपको किस तरीके से पढ़ाया गया, किस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी गई, आप बताओ, अपने साथियों को बताओ कि इंडियन नेवी में जब आप ज्वाइन किए, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी नेवी में? 14 को रिपोर्टिंग थी, 14 को ज्वाइनिंग। कौन, 2021 14 जनवरी को? 14 जनवरी 2021। तो आप फिर वहां से आए क्यों? मुझे थोड़ा पानी से डर लगता है, इसलिए मेरी मतलब थोड़ी डर लगती है पानी से, और मैं वायुसेना में जाने के लिए थोड़ा उत्सुक था, इसलिए मेरे वायुसेना में भी सिलेक्शन हो गई थी, इसलिए मैं वहां से छोड़ा। ओके, तो आप हवा में उड़ना पसंद करते हो? जी, आपको हवा अच्छा लगता है। अभी आपने यहाँ पे बताया कि आपको पानी से डर लगता है, इसलिए आपने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। तो आप नेवी में SSR के लिए या फिर AA के लिए क्वालिफाई किए थे? मैं नेवी में AA के लिए क्वालिफाई था, उसमें सबमरीन मिला था। सबमरीन मिला था आपको, तो यहाँ के जो गाइडलाइन मिले आपको वो कितना परसेंट आपको काम आया? ऐसे कहा जाए तो मेरे लिए ये 100% गाइडेंस थी, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग प्लस में मेडिकल ट्रेनिंग भी आपको मिलती है, इसलिए यहाँ की तो मतलब 100% टीचर्स भी दी और मैं भी अपना 100% किया, इसलिए मैं। गुलशन, तो आप अपने साथियों को क्या मैसेज देना चाहोगे, बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करें, कौन सी बुक को फॉलो करें और क्या उनको अपने लाइफ में करना चाहिए जिससे उनका 100% रिजल्ट की सिक्योरिटी हो जाए? पहले तो सबसे पहले बहुत सारे बुक को पढ़ना बंद करें, अपनी कोचिंग की जो बुक है, जो यहाँ से असाइनमेंट दी जाती है, केवल उस पर फोकस करें और इधर उधर की बुक ना पढ़ें, केवल अपनी क्लास की नोट्स और डिफेंस की अपनी कोचिंग की जो बुक है उसको केवल पढ़ें, और लगातार सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टीचर्स हमें गाइड करते हैं और सेल्फ स्टडी तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन जो है सेल्फ स्टडी पर ही डिपेंड करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी BSC एकेडमी, एक डिफेंस के लिए एक अच्छी एकेडमी, मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ आएँ और यहाँ की पढ़ाई यहाँ से पढ़ें और यहाँ के अच्छे टीचर से आप गाइडेंस लें, यहाँ अच्छी टीचर, यहाँ की फैसिलिटी भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग, ये फिजिकल और मेडिकल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, तो गुलशन, सबसे पहले आप ये बताओ कि इस बार जो आपने एग्जाम दिया था एयरफोर्स की रैली में आपका सिलेक्शन हुआ है? जी, बिहार का रैली था, जोहार में रैली हुई, बिहार में, उसमें आपकी सिलेक्शन हुई। और AA का जो आपने क्वालिफाई किया, तो आपने मेडिकल दिया नहीं, चिल्का गया और वहां से फिर 3 दिनों के बाद वापस आ गया, जैसा आपने मुझे बताया। उसके बाद वायुसेना को आप कब ज्वाइन करने जा रहे हो? मेरी चिल्का से वापस आ गया था और मेरे PSL भी आ गए, तो इनरोलमेंट भी हो गई, मैं कल ही इनरोल हुआ हूँ आज, और आज जो है मेरी ट्रेन है, मैं कल बिलगांव के लिए जा रहा हूँ। वेरी गुड। आज साथियों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात इसलिए है क्योंकि अपने हाथ से पढ़ाया हुआ बच्चा, अपने हाथ से पढ़ाया हुआ छोटा भाई और आज ये ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, माँ भारती की रक्षा के लिए जा रहा है, तो इससे खुशी की बात और हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। मैं इनको 2 साल से लगातार इनके पीछे मेहनत किया और ये अंतिम में लगातार इन्होंने रिजल्ट दिया। पहले ये मेरिट में छठे, फिर इस बार AA और ग्रुप X की दोनों की इनकी मेरिट लग गई। साथियों, आप यकीन मानो तो डिफेंस के लिए हमारे पास बेहतरीन फैकल्टीज हैं, मार्कोस डिफेंस एकेडमी आपको बेहतर रास्ता दिखा सकता है।
और जो आगामी जो एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है SSR AA की जो फॉर्म आने वाली है, 10 दिनों में उसकी फॉर्म आ जाएगी। और NDA की एग्जामिनेशन है, उसके लिए हमने नए बैच को लाया है, और भी बैच स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी एज सुन एज पॉसिबल, आप जितना जल्दी आना चाहते हो उस नए बैच में भाग लो, नए बैच को ज्वाइन करो और अपने सपने को साकार कर सकते हो। साथियों, इसी के साथ आज गुलशन ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है माँ भारती की रक्षा के लिए, तो मैं इसको अपने दिल से दुआ देता हूँ कि आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में जो मैंने सिखाया है, जो आपको बताया है, उसमें आप 100% देके और हमारा नाम रोशन करोगे, अपने माँ पिताजी का नाम रोशन करोगे। चलो गुलशन, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से वहाँ पर ट्रेनिंग करना। और आखिरी बार अपने साथियों के लिए आप कुछ कह जाओ। मैं अंत में ही कहना चाहूँगा सभी के लिए कि आप भी लगातार मेहनत करो, अच्छे से गाइडेंस प्राप्त करो। एक किसी अच्छे के गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो कर सकते हैं लेकिन गाइडेंस जो होती है सबसे ज़रूरी होती है। तो आपके लिए एक बेहतर गाइडेंस साबित हो सकता है, क्योंकि आपके गाइडेंस के लिए मार्कोस डिफेंस एकेडमी एक बेहतरीन जगह हो सकती है, जो फैकल्टी, पढ़ाई की फैकल्टी के साथ साथ सारी चीज़ें देती है, जो हमारे पूरी प्रोसेस में, जो एयरफोर्स और नेवी की पूरी प्रोसेस होती है, वो पूरी प्रोसेस करवाती है। साथियों, अंत में मैं कहना चाहूँगा, मेरी नई बैच स्टार्ट होने वाली है और हमारा पता है आर्य कुमार रोड, राजेंद्र नगर, BSC अकेडमी कैंपस, पटना। साथियों, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।